ये हमारे साथ पोपट हो गया, मैं वीडियो बना रहा था पूरी वीडियो बना लिया मैं तो सुनील भाई कह रहे वीडियो तो बनी नहीं रही है, जैसे जो भी हम लोग को बात बोलनी थी बोल दिए थे। तो आम बहुत अच्छा था, टेस्टी था, अल्हम्दुलिल्लाह खान। आज नसीम भाई के यहाँ डिलीवरी करना है, सिटिया पर है, तो तुम आप उधर से निकल के आओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इब्राहिम सऊदी अरबिया से। हाय फ्रेंड, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्वागत है मेरे एक नए और ब्लॉग में। और अभी टाइम हो गया ड्यूटी जाने का, चलते हैं ड्यूटी पे। ड्यूटी पे क्या काम है आपको लोगों को दिखाऊंगा। ड्यूटी जाने से पहले मुर्गी को थोड़ा चावल बचा हुआ है रात का दे देता हूँ खाने के लिए, फिर चलते हैं ड्यूटी पे। क्योंकि मुदीर कल आए नहीं थे, मुदीर के रूम में नहीं जाना देखने के लिए, और मेरा गला में थोड़ी दिक्कत है, कल भी मैं बता रहा था जाना है दवा को, मुदीर आएगा तो बोलूँगा। तो पहले मुर्गी को खाना देते हैं, उसके बाद चलते हैं क्या काम है दिखाता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले मुर्गी को खाना दे लेते हैं। इसमें थोड़ा रात का बचा हुआ चावल है और रोटी है। लो हा, ये रही मुर्गी, अभी वो लोग आग खाएंगे। तो फ्रेंड, मेरा ड्यूटी पे काम ये है आज, ये जो पेड़ मर गया है उसको लगाना है न्यू ला के उसमें से नर्सरी के अंदर से। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पेड़ कौन सा मर गया है, और तीन चार आज लगाऊँगा, फिर घास काटने का काम चल रहा है अभी, फिर घास ही काटूँगा। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किधर किधर पेड़ लगाना है, बैक कैमरा करके फिर पेड़ अंदर से लेकर आता हूँ। ये पेड़ थोड़ा थोड़ा ज़िंदा है, लेकिन इसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। मैंने एक नया पेड़ लगाया था, देखिए ये नया है, यहाँ पे मर गया था, ये भी पेड़ मर चुका है दो। तो चलते हैं पहले अंदर, छः पेड़ लेके आते हैं, पहले छः पेड़ को कंप्लीट करके फिर उसके बाद चलेंगे दूसरी साइड पे काम करने के लिए, घास काटने के लिए। इस पेड़ लेके आ गया हमें, ये सऊदी अरब में ज़्यादा पेड़ जो लगता है ना, ये कांटा वाला लगता है, क्योंकि ये पानी कम भी पाता है तो जी जाता है, यहाँ की धूप बहुत हार्ड होती है, ये सह लेता है। और लिप्टिस उप्टिस का पेड़, तो इसको अभी इधर ये अतला है रंबा, इधर इससे खड्डा मार के भी पेड़ को लगा। पेड़ लगाने के बाद फिर आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि फहीम भाई या कोई और साथ में होता तो मैं खड्डा मारता वो भी दिखाता, ट्राईपोड भी टूट गया है मेरा, तो इसके लिए पहले खड्डा कर लेते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। इस छः लाया था अंदर से पेड़ लगाने के लिए, लेकिन आगे गया तो तीन और मरा हुआ है, तो तीन फिर लेकर आया हूँ, टोटल नौ पेड़। अब इसे भी लगाता हूँ, फिर उधर चलना है, चेक करूँगा सब कितना मरा है, और फिर घास काटने चला जाऊँगा। आप लोग एक बार घास भी दिखाऊँगा, तो ये भी लगा के ख़त्म कर लेते हैं। एक बार बैक कमरा करके दिखाऊँगा कितना खड्डा करके लगा रहा हूँ। ठीक है, इतना खड्डा किया हूँ, और ये पेड़ जो है ना, इसको लगाने से पहले ये फाड़ के इसमें लगा दूँगा। यह पेड़ काटा, देखो इसमें मरा हुआ है, बहुत धूप है, और अब ये लगा लूँगा। तो पेड़ आज नहीं लगाऊँगा, फिर कल लगाऊँगा, उधर जाके घास काट के उधर भी चेक कर लूँगा कितना मरा हुआ है। तो अब इसको लगा लेते हैं, फिर चलेंगे उधर। मुदीर भी अभी कोई आया नहीं है, देखते हैं कैसे क्या करना है। तो गाइस, बहुत धूप है, आप लोगों को खड्डा दिखाया, और ये दो पेड़ देखिए अभी अरबाना में लोड है, इस गाड़ी में दो लोड किया हूँ, एक लगा दूंगा, फिर दो बचेगा, दो लगाने के बाद फिर चलेंगे उधर, चेक कर लेंगे कितना मरा हुआ है, थोड़ा घास काट लेंगे, फिर कल उधर का काम करेंगे। तो गाइस, बहुत धूप है, आप लोगों को खड्डा दिखाया, और ये दो पेड़ देखिए अभी अरबाना में लोड है, इस गाड़ी में दो लोड किया हूँ, एक लगा दूंगा, फिर दो बचेगा, दो लगाने के बाद फिर चलेंगे उधर, चेक कर लेंगे कितना मरा हुआ है, थोड़ा घास काट लेंगे, फिर कल उधर का काम करेंगे। जैसे मैं बोल रहा था, उस साइड घास काटूंगा आज दिखाऊंगा। तो इधर मैंने कल पानी चलाया था, मौका अच्छा इधर गया, तो 9-10 पेड़ इधर भी मर गया है, तो 10 पेड़ फिर से गाड़ी में लोड कर लिया हूँ, फावड़ा भी लोड कर लिया हूँ, कुसाउद में घास भी है, तो चलते हैं इसको भी इधर लगा लेते हैं, उधर का काम कल करेंगे। तो पहले आपको दिखाता हूँ कैसे घास आई और पेड़ मर गया, तो फटाफट पहुँचते हैं उधर ये गाड़ी लेकर। देखिए हमारी गाड़ी है, पेड़ डेड़ है, और चल रहे उधर लेके। तो गाइस, ये देखिए पेड़, और देखिए यहीं पर वो मर गया है। अब जहाँ पर पेड़ था, पेड़ तो तोड़ के यहाँ फेंक दिया हूँ, देखिए ये था पेड़, मर गया था। अब इसमें देखिए इतनी सारी घास आ गई है, ऐसे ऐसे कहीं पे पेड़ है जहाँ पे मर गया वहाँ पे भी घास आई है, और जिंदा है जो उसमें का भी घास, उसमें की भी घास निकालूंगा। तो ये पेड़ जब क्यों लगाते हैं, ये पेड़ जल्दी मरता नहीं है, लेकिन वो किसी वजह से मर गया होगा, बहुत कम मरता है, जैसे ना के बराबर मरता है, समझ लो 100-150 पेड़ में हम लोग लगाए हैं 100 पेड़, तो उसमें से 20 पेड़ अभी मरा है, इतनी गर्मी सहता है ये पेड़, इस सब में काटा रहता है। और ये मेरे नर्सरी में ज़्यादा यही पेड़ है भी, तो इसको क्लीन करेंगे, इसको पेड़ लगा लेंगे, तो मिलते हैं पेड़ लगाने के बाद। एक बार नज़ारा ऐसे देख लीजिए, एक बार पेड़ लगाने के बाद दिखाता हूँ। अभी इसकी शक्ल देखो कैसी हो गई है, इसके पहले इसमें इतना सारा कचरा आ गया था, ये कचरा दिख रहा है, इसी तरीके से हर तरफ कचरा ऐसे आ गया, सबको क्लीन करना है और पेड़ लगाना है। और इधर पेड़ गाड़ी में लोड है, इसको लगा चुका हूँ मैं, बहुत कड़क हो गई है। तो पहले चलते हैं, एक तो कम्प्लीट किया हूँ, इसमें काफ़ी टाइम लगा, ये ज़्यादा ही कुछ कचरा था इसमें, बाकी सब में थोड़ा किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, तो चलते हैं जल्द से जल्द सब लगा लेते हैं, मिलते हैं लगाने के बाद। गाइस, मुदीर के रूम में गया था, मुदीर सो रहा है, नींद में है,
तो छोड़ हटाओ, कल दूसरे ब्लॉग में मिलवाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है। अभी चलते हैं, जल्द से जल्द पानी चला लेते हैं सब पेड़ में, जिधर जिधर लगाए पानी चला लेता हूँ, फिर चलेंगे रूम पे। तो मिलेंगे अभी रूम पे आने के बाद। तो गाइस अभी आ चुका हूँ रूम पे और चावल भिगा के रखा था, कल वो फ्राई बनाया तो वो तेल था, ये चावल है और ये दो बर्तन है धोने हैं, फिर नहाऊंगा। तो फिर मिलेंगे नहाने के बाद, खाना वाना बना लेंगे उसके बाद, हो सकता है आज भी डिलीवरी देने जाना पड़े नसीम भाई को। तो फिर मिलते हैं नहाने के, खाना बनाने के बाद। तो गाइस मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ और आज फिर डिलीवरी बॉय बनना है। सुहेल भाई ने आज मछली फ्राई किया है और बोले हैं कि हम लोग भी खाएंगे और नसीम भाई को भी दे देना ले चल के। तो अभी चलेंगे सुहेल भाई के पास। तो दाल जो है, कल मैं चला गया बाहर तो उधर ही खाना खा लिया, तो दाल भी बहुत सारी बच रही है। तो ये पूरा कुकर पार्सल लेके चलेंगे नसीम भाई के पास और सुहेल भाई को उठाऊंगा और फिर चलेंगे नसीम भाई के पास। लेकिन आज मेरे तीनों मुदीर आ गए हैं, तो अभी मुदीर से पूछ लेता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, अभी आऊँगा। देखो सब गाड़ी खड़ी है बाहर मुदीर लोग की, तो अभी उनसे बात करके निकलता हूँ तुरंत। तो मुदीर से बात हो गई, बोला ठीक है जाओ, क्योंकि वो लोग कभी भी जाएंगे तो गेट बंद करना रहेगा ना, मुझे पता ना। मैं बोला कितना देर तुम लोग रुकोगे, अभी मैं आऊँगा। और ये कुकर को पूरा ऐसे ही पार्सल लेके चलते हैं नसीम भाई को, वहाँ दाल निकाल के से देंगे फिर कुकर वापस लेके चलेंगे। तो चलते हैं नसीम भाई के पास। रहा कुकर, सिम खुल जा, खुल गया सिम। ओ अभी तो पेट्रोल उतारा नहीं। ये डिग्गी बड़ी काम देती है मुझे, ये जो पीछे लगाया हूँ ना, वो इसमें कुकर रख लिया हूँ। अब बाइक निकालूंगा सीधा नसीम भाई के पास, सुहेल भाई को रिसीव करके सीधा नसीम भाई के पास। सुहेल भाई के पास चल रहे हैं अभी, देखिए सुहेल भाई के पास जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक मिनट लगता है। वो सामने दिख रहा है वही सुहेल भाई का मजरा है और पीछे मजरा, और ये हमारी गाड़ी है और ये चल रही है और डिलीवरी बॉय रेडी। मैं आ गया हूँ सुहेल भाई के गेट पे खड़ा हूँ, ये सुहेल भाई के मजरे का गेट है, अंदर मजरा है। और सुहेल भाई देखिए दिख रहे हैं उधर से आ रहे हैं, हल्की हल्की कदमों से आ रहे हैं, मुझे तो दिख ही नहीं रहा धूप में कि वो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा क्योंकि धूप है ना। डिलीवरी मैं अपने रूम से सुहेल भाई के पास किया था, आज डिलीवरी कहाँ की है जी? यही सब हम लोग कर रहे हैं, देख लीजिए सऊदी अरब के गांव में यही सब काम रह गया। अभी भाई के इधर की डिलीवरी, आज नसीम भाई के यहाँ डिलीवरी करना है सिटिया पर। तो तुम आप उधर से निकल के आओ, हम तो हाँ ठीक है, ओके ओके, पहले ये ले लेता हूँ उसके बाद बात करते हैं भाई के पास। तो भाई सुहेल भाई आ गए गेट वेट बंद करके, अभी चल रहे हैं हम लोग नसीम भाई के पास। तो नसीम भाई के पास ये डिलीवरी जब दे लेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे जी? आप चलेंगे फिर तुम्हारे रूम पे, हमारे रूम पे। ये धूप कैसी लग रही है? अरे धूप तो ऐसी लग रही है कि कसम से यकीन मानो, ये देखिए पूरी बॉडी जो है पसीज रही है धूप से। और किसी को मारना है तो किसी चीज का इंतजाम नहीं करो, उसको नंगे धूप में खड़े कर दो। तो चलते हैं नसीम भाई के पास, फिर मिलेंगे अपने नसीम भाई के पास, फिर मिलते हैं। सीबीआई भी चेक नहीं कर पाएगी कैसे मर गया। लंबा सा जो देख रहे खंबे के जैसा, वो पानी का टंकी है, ठीक है? कोई टावर मत समझ, हाँ टावर मत समझ लेना, वो पानी का टंकी है। यहाँ उसको खचन बोलते हैं अरबी में, कुआं है, कुआं सक्का। तो गाइस आ गए नसीम भाई रूम पे, सुहेल भाई देखिए कैसे तौलिया उड़ के आए हैं। ऐसा लग रहा है निकाह है तुम्हारा आज, निकाह। और ये देखिए कुकर में दाल है, ये कुकर वापस जाएगा, बस दाल उनको खाने भर देंगे और फिर वापस लेके भाग जाएंगे। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या नसीम भाई को देते हैं। नसीम भाई कहाँ कर रहे हैं? चलो 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 इधर चलो। वालेकुम अस्सलाम भैया, अभी आके देखे नसीम भाई के रूम पे और नसीम भाई को ये देंगे ये दाल। पूरा कुकर उठ नहीं रहा यार हाथ से, चलते हैं पहले ये निकाल के दे देता हूँ नसीम भाई को, फिर खाना वाना खाएंगे रेस्ट करेंगे, फिर हम लोग भी निकलेंगे। बनाया था मैं तो कल चला गया बाहर, तो बाहर खा लिया, फिर दाल कई टाइम में मजा नहीं आता, दोनों तीनों लोग मिल बांट के खा लेंगे जल्दी जल्दी तो खत्म हो जाएगी। तो दाल इधर नसीम भाई के पास हम लोग आए 2 किलोमीटर दूर से पहुंचाने के लिए दाल और ये मछली फ्राई, कल हम लोग पार्सल दिए थे। खलास ये तुम खा लेना, बाकी हम लोग जा रहे हैं। चलो ठीक है नसीम भाई, सलाम वालेकुम। तो चल रहे हैं हम लोग अभी नसीम भाई के पास से सामान दे दिए हैं, कसम से धूप ऐसी तगड़ी है बुझा जाएंगे, इसीलिए हेड लगा गया। ये कुकर वापस रिटर्न, अभी इसमें हम लोग खाना खाएंगे। तो हम लोग जिस गांव में रहते हैं ना, आप लोगों को एक बार बैक कैमरा करके दिखाता हूँ, पहले ऐसे ही दिखा घुमा देता हूँ एक बार, देखिए कुछ नहीं, दूर दूर तक ना कोई दुकान है ना बकाल है, वो तो आपस में प्यार मोहब्बत है लोगों की जो मिलते जुलते हैं। और नसीम भाई हैं तो हम लोग आ जाते हैं, देखो ऐसा लग रहा है जेल में खड़े हैं। इंडिया में 5,000 रुपये दोगे और इस टाइम बोलोगे कि भैया जा जरा सा 2 कदम पे जरा हल्दी लेते आप 5 रुपये का, नहीं जाएगा। तो बोले भाई 7,000 तू ले ले, जा तू लेके आ जा। चलो ठीक है चलते हैं, फिर अभी मिलते हैं अपने रूम पे। और ये भी बहुत साथ दे रही है हम लोगों का, ये हमारा गेट आ गया है,
ये रहा हमारा गेट, गेट के अंदर घुस जाएगी गाड़ी और इधर सब मुदीर की गाड़ी लगी हुई है, हमारा रूम है। गाइस अभी रूम पे आ चुके हैं हम लोग और सुहेल भाई देखिए थक गए हैं, धूप इतनी तगड़ी थी, रेस्ट कर रहे हैं। कुछ करना नहीं था फिर भी थक गए इतने, और मैं भी थोड़ा रेस्ट करता हूँ 5 मिनट, उसके बाद खाना रेडी है फिर खाना खाएंगे, तो मिलते हैं खाना खाने के टाइम पे। तो गाइस हमारा रेस्ट कंप्लीट हो गया, अभी चल रहे खाना खाने। तो हमारे खाने में सुहेल भाई अपने रूम से बना के लाए हैं मच्छी फ्राई और ये है आम, और आम का टेस्ट बताएंगे खाना खाने के बाद आखिर में। और ये रही दाल और ये रहा चावल, का स्वाद कैसा था और मच्छी का स्वाद कैसा था भाई बताना जरूरी है ना, तो हम बताएंगे ठीक है। का बाल जो है झरने लग गया है सऊदी अरब में रहते रहते, बात करें जाए। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया है, खाना कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आम लाए थे जो, इसको पहले खा के टेस्ट करते हैं कैसा है, तो इसे काटते हैं फटाफट और खा के आप लोगों को टेस्ट बताते हैं। तो गाइस अभी आम कट गया है और हम लोग आम की स्लाइस लेकर मुंह में चेक करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसा है ठीक है। मर रहा है बोल रहा अभी मर रहा है, कौन सा आम है भैया, दशहरा है कि लंगड़ा है कि ये सब नहीं मालूम है, जेम्बू आम है खाओ। अच्छा दशहरी बिक रहा था मालूम है, मैं लेट हो गया थोड़ा, तो ड्राइवर बोला परसों था यार, गड़ोला के 10 किलो में लेके आता साले को, जैसा लग रहा है अब लेंगड़ा हो या टांग वाला हो खाने में अच्छा लग रहा है, है कि नहीं? मेरे को ये हमारे साथ पोपट हो गया, मैं वीडियो बना रहा था पूरी वीडियो बना लिया मैं तो सुहेल भाई कह रहे वीडियो तो बनी नहीं रही है, जैसे जो भी हम लोग को बात बोलनी थी बोल दिए थे। तो आम बहुत अच्छा था, टेस्टी था, अल्हम्दुलिल्लाह खाना हुआ आम हुआ। आम अगर जो आप भी सऊदी अरब में हो, अगर जो मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर जो आसपास में आपके नेस्टो है, तो आप जाओ आम लाओ और खाओ, और क्योंकि इंडिया में अभी आम का सीज़न चल रहा है आप लोग को पता है, और हम लोग को बहुत अच्छा लगा आम, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कोई आएगा तो और आम मंगवाया जाएगा, है कि नहीं? इसलिए कि हम लोग तो देहात में है, यहाँ नेस्टो मार्केट दुकान और कुछ उम्मीद है, यानी अभी समझ जाओ कि 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा तो अभी कैसे भी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आम बहुत बढ़िया था। तो गाइस अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम मैं सुहेल भाई लाइक करिए, वो जो छोटा बटन देखो मेरे को तो इंग्लिश मालूम नहीं है, लाइक भी करिए सब्सक्राइब भी करिए और हमको जरा सपोर्ट दीजिए कि आपका प्यार और मोहब्बत मिले कि हम कुछ और, जैसे कि डिजिटल इंडिया है ना दुनिया, उसमें हम भी कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोग के प्यार और मोहब्बत के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते, तो जाहिर ही बात है कि आपका प्यार भी चाहिए और मोहब्बत भी चाहिए तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अब इसी बात को यहीं ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे कि मैंने क्या बोला था, फिर एक बार बोलूँगा कि वीडियो नेक्स्ट हमारे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं इस बार खजूर के सीज़न में, कितने आदमी आएंगे, काम करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।